नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रांतीय न्यूज चैनल सच का साथ। खबर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आ रही। हर रोज महिला के साथ हो रहे अत्याचार के तमाम तरह की घटना पर विराम लगाने वाली सरकार द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा। देखिए हमारी एक पूरी रिपोर्ट। हर रोज महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और तमाम तरह की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सरकार के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जा सके, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसको लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर में स्थित नकला मल्हा का है, जहां पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भी निर्भया एक पहल कार्यक्रम के बैनर तले महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, जिसमें महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता शाजिया सिद्दीकी के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। हर चंद हमारी सचिव सरकार ये प्रयास रहता है कि हमारी महिला कहीं भी परेशान ना हो, कहीं दुखी ना हो, उसका कहीं उत्पीड़न ना हो रहा हो। अगर आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए आप लोग, या कह दीजिए आप लोग जाइए, हमें कुछ नहीं सुनना। आप लोग खामोश हो जाइए थोड़ी सी देर के लिए। आपके बीच इतना प्यारा स्टेज सजाया अहिंसा फाउंडेशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने। आप उसका सम्मान के लिए शांत हो जाइए, अच्छे से सुन लीजिए। आप अपने मोहल्ले की खातिर, अपनी बस्ती का नाम रोशन करने के लिए अच्छे से सुन लीजिए। इतना सुंदर गुलदस्ता सजाया गया है यहाँ पर, जिसके आप एक अनुभव। तो मैं अपनी ध्यानों से चाहूंगी हमारे स्टेज पर मौजूद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज साहब आपके बीच मौजूद हैं। सर इतना अच्छे नेचर के हैं और इतना सुशील हैं, बहुत अच्छे हैं। हर किसी की समस्या को लगता है कि वो अपनी समझ रहे हो। आपने अभी उनके बोलने का अंदाज भी देख लिया और आप लोगों की बात सुनने के लिए आपको न्योता भी दिया, किसी बहन ने कुछ बताया भी, तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो। आज आपके बीच न्याय खुद आया है चलकर, और न्यायाधीश आपके दरवाजे पर आए हैं। आप अपनी समस्याएं रखिए और जो यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है उसका अच्छे से लाभ लीजिए। यहाँ पर मौजूद SSP ऑफिस से भी उनके प्रतिनिधि के रूप में अजय भैया बैठे हुए हैं, बहुत कुछ बता दिया है। हमारे बीच में इमरान भाई जो आपकी ओर से रिटायर्ड हैं, आपके बीच में वो भी आपको कुछ बताएंगे यहाँ पर। और सूफिया जावेद यहाँ मौजूद हैं, गैस एजेंसी के प्रोवाइडर भी हैं और महिला सशक्तिकरण परिवार की परामर्श केंद्र की अध्यक्ष भी हैं सूफिया जावेद। ये भी आपको महिलाओं के बारे में बहुत कुछ आप बता सकती हैं, पर आप सुनने को तो राजी हो किसी की बात को, तभी तो बताने में अच्छा लगेगा। जब सुनने वाला चाहता है कि हम आप हमारी बात सुन रहे, तभी तो हमें मजा आएगा बताने में। तो ये सब आपके हित की बात है। महिलाओं के कानून के बारे में आपकी कॉल जी ने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल से आपको बता दिया। सारे नंबर आपको नोट करा दिए हैं कि अगर आपके साथ कहीं कोई उत्पीड़न हो रहा है तो आप इन्हीं नंबरों पर कॉल करिए। महिला आज के दौर में कमजोर नहीं है, महिला बहुत मजबूत है, बशर्ते कि हमें खुद अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। सरकारें योजनाएं चला रही हैं, हमें लाभ लेना खुद होगा, हमें बढ़कर खुद अपना काम करना होगा, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि मेरा काम फला करा दूंगी, ये करा दूंगी, शादी भी करा दूंगी। नहीं, आपको स्वयं आगे बढ़ना है, आप खुद बढ़िए। हम लोग जो बता रहे हैं उसको सुनिए, सीखिए और शासन स्तर से जो योजनाएं का लाभ आप स्वयं ही ले सकते हैं। आप दो कदम चलेंगी तभी तो आपकी समस्या का हल होगा। खाना भी बिना